हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम वापस नई वीडियो के साथ में आ गए हैं। आज हम सॉलिडवर्क्स पे नया पार्ट बनाएंगे और उसको देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो सॉलिडवर्क्स हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक किसी ने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इधर हमारा सॉलिडवर्क्स ओपन हो चुका है, आइए हम न्यू पार्ट ओपन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो ये फाइल है ये ओपन हो गई है। आज हम एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट बनाने के लिए टॉप प्लेन ले लेंगे और इसको स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पर एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। अब स्केच हम सेंटर रेक्टेंगल लेंगे और सेंटर रेक्टेंगल से हम डायमेंशन डालेंगे 63/100। इसका रेक्टेंगल आएंगे, इसको करेंगे एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड हम यहाँ पर 25 mm एक्सट्रूड करेंगे। ये देखिए 25 mm एक्सट्रूड होने के बाद अब हम वापस टॉप प्लेन लेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, जिस प्लेन पे करना है उस प्लेन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल, इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम 38 mm और डायमेंशन हमारी जो लेंथ आ रही है उस लेंथ पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करेंगे और इसको हम 50 mm हाइट ले लेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा पार्ट कुछ इस टाइप से हो गया है और ये कुछ एल शेप में दिख रहा है। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक्सट्रूड कट करेंगे। तो एक्सट्रूड कट क्लिक करेंगे, जिस प्लेन पे करना उस प्लेन पे क्लिक करेंगे, देन टॉप प्लेन पे आएंगे और हम वापस यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल इस सेंटर में लेंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे 20 mm करना है तो हमें जो 40 करना पड़ेगा एंड विड्थ है 50 mm और फिर क्लिक करेंगे और 38 mm यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये क्लिक करेंगे। तो देखिए 38 ये हो गया। अब देखेंगे हमारा ये यहाँ पे कट मार दिया, हमें वापस एक्सट्रूड कट करना है। तो एक्सट्रूड कट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे और जिस प्लेन पे करना है एक्सट्रूड करेंगे, जिस प्लेन पे करना है उस प्लेन पे क्लिक करेंगे और हमें स्केच करना है तो हमें क्या है कि जिस सेंटर से करना है इसके सेंटर में करना है तो हम स्केच कर लेते हैं और हम यहाँ पर रेक्टेंगल क्लिक करेंगे और कितना कट करना है यहाँ पर जैसे 36 और 25, तो ये 25 रहेगा और ये 36 रहेगा और इसको हम क्लिक कर देंगे। पहले हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे और इसको क्लिक करेंगे और इसको हम थ्रू ऑल कर देंगे और देखेंगे कट। तो देखिए हमारा कुछ पार्ट इस तरीके से बन रहा है, ये देखिए ये हो गया। अब हम क्या है, अब देखिए हमारा पार्ट लमसम बन गया। अब एक छोटा सा और हमें यहाँ पर एक फुट कट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस प्लेन पे क्लिक करेंगे, फिर हम सेंटर रेक्टेंगल लेंगे और सेंटर रेक्टेंगल की मदद से जैसे हमें थ्रू आउट कट करना है तो ये लेंथ हमारा यही रहेगा और हम यहाँ पर 39 mm का कट करेंगे और लेंथ हमारी यही रखेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। और कितना mm हमें डेप्थ रखना है, हम जैसे डेप्थ इसकी रखेंगे 6 mm, तो 6 mm करके क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा पार्ट कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो गया। और अभी हम एक होल भी करेंगे। तो होल कैसे करेंगे, एक्सट्रूड कट, जिस प्लेन पे करना उस प्लेन पे क्लिक और ऊपर से हमें 25 mm पे होल करना है। हमने 25 पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 12 का होल करेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे कि अब ये होल मेरे को सेम इस साइड भी चाहिए, तो हम क्या है कि प्लेन पे क्लिक करेंगे, जिस प्लेन पे करना है उस प्लेन को क्लिक करेंगे, मिरर एंटिटीज एंड जिस ऑब्जेक्ट को करना है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा मतलब यहाँ पर स्केच हो चुका है। अब हम डायरेक्ट फ्यूचर में जाके एक शूट कट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ब्लाइंड पूछ रहा है कितने mm करना है, तो हम यहाँ पर थ्रू होल करेंगे। ये देखिए, तो थ्रू होल मतलब पीछे तक आप देखेंगे होल हमारा हो चुका है। अब जैसे मेरे को क्या है कि अगर मैं यहाँ पर मैंने होल रखा है, अब मुझे यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर हमें नट है जो इनसाइड रहेगी, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए वापस हम फ्यूचर में जाके एक शूट कट इस प्लेन पे करना है, यहाँ करेंगे और हम यहाँ पर जैसे 15 mm, हम 15 mm नहीं, हम इसको
18 mm करेंगे, और सेम टू सेम इस वाले भी हमारे 18 चाहिए, और इसको क्लिक कर देंगे। अभी पूछ रहा है कि क्या थ्रू करना है, हमें थ्रू नहीं चाहिए, हमें मतलब 10 mm तक जैसा ही चाहिए, तो हम क्लिक करेंगे 10 और क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा कुछ जो हमारा लिंकी बोल्ट हो गया या कुछ भी हो गया वो इस फेस पर गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो बन के तैयार हो चुका है, और दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कैसा लगा पार्ट, वीडियो कैसी लगी। तो इसको हम कलर भी कर सकते हैं, हम इसमें जाके एप्रेंस में जाके मेटल में जाके, अब मेटल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर से हम जैसे इस पर डबल बार क्लिक करेंगे तो ये मेटल वाले कलर में ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज वाले में कलर ये देखिए। तो हर डिफरेंट टाइप के हमारे पास साइड में राइट हैंड साइड में कलर है, हम कलर ले सकते हैं और कैसे बनाया वो सब हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे हम नई नई वीडियो आपके लिए डाल सकें। तो प्लीज़ दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।